मुझे लगता नहीं मेरी 20 साल के करियर में मुझे ऐसे रिव्यूज मिले। और सलमान भाऊ तो हमेशा एक्साइटिंग रहते ही, अनिल सर ने भी बहुत बढ़िया होस्ट किया है। जिंदगी झंडवा वही बिग बॉस। बिग बॉस सर, बिग बॉस का गेम अच्छा लग रहा है। अदभुत अदभुत। क्या लगता है कि कोई विन, आपके अकॉर्डिंग कोई विनर आज जाके फिर बताएंगे। मुंबई की बारिश कैसी लगती है? मुंबई का पाउस मुझे मजेदार बहुत अच्छी लग रही है। फील काफी अच्छा कर रही है जी। लोग अच्छे रिव्यूज दे रहे, जहाँ तक मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े जी। क्या कहना चाहेंगे आपको पर्सनली कैसे रिव्यू? सर इस वीकेंड में फिल्म देखने वाला, मैंने देखी नहीं है फिल्म। अच्छा। पर मैं रिव्यूज पढ़ रहा हूँ एंड इट्स बीन ओवरवेलमिंग। मुझे लगता नहीं मेरी 20 साल के करियर में मुझे ऐसे रिव्यूज मिले। सो इट्स बीन वेरी नाइस, वेरी एक्साइटिंग, आई एम वेरी हैप्पी। कैसे सोचा कि जियो सिनेमा पर ऐसी तरीके की फिल्म लाने की? क्या है कि जियो सिनेमा पर ये सीरीज आ रही है, रॉनी स्क्रूवाला जी ने ये प्रोड्यूस किया है और राजकुमार गुप्ता जी ने क्रिएट किया। सो इट्स एक फार्मा ड्रामा है जो बहुत क्या होता है कि हम हमारे देश में पुजारी ने दिया प्रसाद और डॉक्टर ने दी हुई दवाई हम बिना कुछ सोचे समझे खा लेते, सेवन कर लेते, बिकॉज हम पूरा विश्वास रखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई सारी फार्मा कंपनीज है जो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करती और अपने मेडिसिन मार्केट में उतारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कई लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी वो साइड इफेक्ट जानलेवा भी होते हैं, किसी का लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, आंखें चली गई। एंड ये कहानी ऐसी एक फार्मा कंपनी की है जो एक पिल मार्केट में लॉन्च करती है और ये मेडिकल ऑफिसर प्रकाश चौहान किस तरह वो उस फार्मा कंपनी और उसके इर्द गिर्द के नेक्सस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इट्स हिज फाइट और उसको लगता है कि किसी को तो लोगों के लिए सोचना चाहिए, लड़ना चाहिए। एंड इट्स बीन एक्साइटिंग जर्नी एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। एंड आप सब देख रहे हो, प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो जियो सिनेमा प्रीमियम पर जरूर जाकर देखिए। इस बार का बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? इस बार भाऊ होस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बार अनिल सर होस्ट कर रहे हैं, तो ये कितना एक्साइटिंग है आपके लिए? आई थिंक इट्स बिग बॉस इज ऑलवेज एक्साइटिंग। इट्स इट्स माय फेवरेट फॉर्मेट और फेवरेट शो भी है मेरा। और सलमान भाऊ तो हमेशा एक्साइटिंग रहते ही, बट आई थिंक अनिल सर ने भी बहुत बढ़िया होस्ट किया है। ही हैज सम अमेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी विच आई लाइक। अभी मैं जाकर आया हूँ, सो दैट्स एक्साइटिंग। और सो यस, इट्स फन। एक न्यू जर्नी आप गाइस शुरू होने वाली है बिग बॉय मराठी की भी, उस पे क्या कहना है, कितने एक्साइटेड नाउ? नहीं, मेरा फेवरेट शो है और अब जाकर मुझे वो होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बिग बॉस मराठी चल रहा है और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।